वेलकम टू रांची स्टेशन भाई। देखिए भीड़ देखिए, एनटीपीसी का भीड़ देखिए, हमको जाना है यशवंतपुर ब्लॉक करना, और भीड़ देखिए आज आप लोग को देखने मिलेगा ठाड़े से इकोनॉमी कोच का फुल सेटअप, और कितना फेयर ले रहा है, कितना कुछ ले रहा है, आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, इंटीरियर वगैरह सब कुछ देखने मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। यूट्यूब देखिए घुस रहा है ठाड़े से इकोनॉमी, चलिए भैया भी हम मेरे साथ जाएगा यशवंतपुर। तो अच्छा भाइयों मैं बता दूं, जो डिस्टेंस रहेगा रांची से यशवंतपुर वो रहेगा 1900 किलोमीटर का, और स्टॉपेज रहेगा इसका 22, टाइम लगाएगा 33 घंटा 10 मिनट का इसका सफ़र रहेगा। बने रहिए मेरे साथ इसके पूरे सफ़र में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं बुलेट विद्युत चैनल, मेरा नाम है सुमंत पंडित, बने रहिए। देखिए स्पेस बहुत ही कम दिया गया है इसमें। चलिए इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं, पहले सामान रख लेते हैं। ये बोतल रखने वाला सबसे अच्छा दिया है, थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का कुछ अच्छा चीज है, पर इसमें आप बैठ नहीं सकते, इसमें बैठने का सुविधा नहीं है। थर्ड एसी में हल्का सा बैठ सकते हैं, इसमें आपको बैठने का नहीं है। आपको अगर सोने का विचार है तभी ऊपर जाइए, नहीं तो मत जाइए, बैठा रहिए नीचे। ये जो लाइटिंग देख रहे हैं, ये लाइटिंग अच्छा दिया है, दूसरे थर्ड एसी में नहीं दिया हुआ। और मेन पॉइंट आप इसमें देखिए वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन दूसरा कोई भी ट्रेन में दिया नहीं दिया, अभी तक ओनली थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच में दिया हुआ ये वेंटिलेशन। और ये ऊपर देख सकते हैं बाथरूम एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का साइन नहीं रहेगा, बोर्ड रहेगा यहीं पर ही, यहाँ पे सब दिखाएगा नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कितना किलोमीटर है, ये सब वगैरह यहाँ पे बोर्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। और ये भाई साहब को देखिए अच्छा मिल गया, और ये सबसे अच्छा है देखिए, ये हैंडल वाला जो दिया है मोबाइल रखने वाला, ये पहले थर्ड एसी में नहीं रहता है। और ये आपका है अपना लाइट, किताब उताब पढ़ना है तो इसमें कर सकते हैं। और एक अच्छा बात है, आप लोग देखिए कर्टन दिया हुआ है, पहले शताब्दी में दिया था और तेजस राजधानी में, और थर्ड एसी इकोनॉमी में लॉन्च कर दिया है, ये अच्छा चीज़ है। और अब सब सीट में अपना अपना वेंटिलेशन है, आप ऑन कर सकते हैं, ऐसे सब में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, साइड में देखिए सब सीट में दिया हुआ है वेंटिलेशन। और ऊपर चढ़ने के लिए आपको नीचे एक पैर रखना है मिडिल में, और इसका ऊपर इसमें सपोर्ट रख के आप चढ़ जा सकते हैं। कोच कैपेसिटी इसका आपका कितना तक है, 80 तक, थर्ड एसी में इतना नहीं रहता था, इसमें बढ़ाया गया है। स्लीपर का कुछ बोगी और थर्ड एसी का कुछ बोगी लेके इसका बढ़ाया गया था, ठीक है। और रेलवे के अनुसार इसका किराया रखने का जो निर्धारित किया गया था, स्लीपर का और थर्ड एसी के बीच का किराया लिया जाने वाला था, पर लिया जा रहा है अलग ही 1890 रुपये लिया जा रहा है थर्ड एसी इकोनॉमी का। थर्ड एसी का लिया जा रहा है 2000, सेकेंड एसी का लिया जा रहा है 2885, और फर्स्ट एसी का 4915, स्लीपर का 765, तो कुछ ज़्यादा ही लिया जा रहा है। अभी रेल कब सुधार करेगा दिखा जाएगा आने वाले वक्त में, फिलहाल तो कोई सुधार नहीं किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, जो भाड़ा आप लोगों को बता दिया गया है। ये आपका बाथरूम का कोच, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, दोनों साइड में लगाया हुआ है, एक साइड है वेस्टर्न, एक साइड है इंडियन। ये आपका यूरोपियन, हाँ बस कर रहे हैं। और इधर आपका दिया हुआ है, इधर आपका दिया हुआ होगा इंडिया। ये आपका इंडिया, साफ सफाई है, क्लीन अभी तक ठीक है। कोच का वगैरह दो, इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच रहता है, 5 आपका थर्ड एसी का, 2 आपका सेकंड एसी का, 1 हायर क्लास का, टोटल 10 एसी का बॉगी लेके चलता ही है बाकी। चलिए खटिया स्टेशन लीव कर रहा है, उसके बाद बानो रुकेगा, उसके बाद ग्राउंड के अंदर। राइट टाइम लीव कर,
अभी तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सका, मैं बता देता हूँ। हटिया में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, डिवीज़न गिरता है इसका रांची जोन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रेन का होल्डिंग है, 22 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और 23 ट्रेन टर्मिनेट होता है यहाँ से। बाय हटिया। सो अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस राहुल केल्ला स्टेशन। स्टेशन कोड है ROU। टोटल प्लेटफॉर्म है 5। नंबर ऑफ होल्डिंग ट्रेन्स 93। 9 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है, 9 ट्रेन टर्मिनेट होता है। डिवीज़न CKP साउथ ईस्टर्न रेलवे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए अपने भाई को और सब्सक्राइब की ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। कैसा करके उठवा लेडीज़ को, हल्का सा 19-20 होने से इसमें भाई जान जाने का दिक्कत है, क्यों रिक्स लेना, पहले उतर जाओ। गाड़ी फिलहाल 9 मिनट लेट है। सो गाइस आ चुके हम लोग झारसुगड़ा स्टेशन, लेट है 15 मिनट। कोड है JSG। प्लेटफॉर्म टोटल है यहाँ पे 5। नंबर ऑफ हॉल्टिंग यहाँ पे 93 ट्रेन, 7 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और 6 ट्रेन टर्मिनेट होता है यहाँ से, ठीक है। स्टेट है उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा, डिवीज़न CKP। खाने के लिए आए थे, पहुँचने के लिए मिला नहीं कुछ, जो मिला उसी में चलाते हैं काम। इसके बाद संबलपुर में आएंगे तो आएंगे, नहीं तो सुबह विजयनगरम से स्टार्ट होगा। आ चुके हैं विजयनगरम। सुबह का पहला ब्लॉग है ये। विजयनगरम में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, डिवीज़न इसका आपका वाल्डियर गिरता है। यहाँ से 167 ट्रेन सिर्फ हॉल्ट है, यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होता है ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होता है। स्टेट गिरता है आंध्र प्रदेश, और इसका खास बात है इसका पहला प्रीवियस नेम था बंगाल नागपुर रेलवे। आप लोगों को बता दूं प्रीवियस नेम बंगाल नागपुर रेलवे। स्टेशन कोड BZM, विजयनगरम का BZM, फिर से बता दे रहा हूँ। तो मेन लाइन गिरता है आपका चेन्नई का, मतलब पूरे साउथ का मेन लाइन यही है, जितना भी ट्रेन हावड़ा से और आपका
झारसुगड़ा संबलपुर से आ रहा है, झारसुगड़ा संबलपुर मेन लाइन गिरता है ये विजयनगरम, और आपका हावड़ा मेन लाइन भुवनेश्वर मेन लाइन ये गिरता है, हावड़ा मेन लाइन में गिर जाता है भुवनेश्वर वगैरह। तो गाड़ी का यहाँ पे 5 मीटर का होल्ड है, 73 मीटर अबव है सी लेवल से। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। ऑफिस तो नहीं है गाइस, रोक सकता है अगर सिग्नल नहीं हुआ तो, ऑफिस तो नहीं। पांच प्लेटफॉर्म इसमें भी है बोलता वाल समय। राइट टाइम आ चुका है गाड़ी। अब विशाखापट्टनम के बारे में बता दूँ, यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। आंध्र प्रदेश का मेजर सिटीज़ में आता है ये, टॉप मेजर सिटीज़ में आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है, डिवीज़न आपका है वाल्टियर डिवीज़न इसका आता है, ठीक है। और यहाँ 122 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, जिसमें कि आपका 44 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और 44 ट्रेन टर्मिनेट होता है। बोलो क्या बोल रहे हो? जनरल बोगी है, जनरल ये इनकी जनरल बोगी नहीं है, एकदम पीछे पीछे जाओ पानी की तरफ। या यस सर, वाइप 7 का लाला गुडर रैक्स करता है। वाइप 7 इंजन, मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ इंडियन रेलवे, वाइप 7। चलिए विशाखापट्टनम छोड़ रहा है, डिवीज़न आप लोगों को मालूम ही होगा इसका, वाल्टियर है, लेट में छोड़ रहा है।
8:55 में छोड़ने का था, 9:15 में छोड़ रहा, 20 मिनट लेट।